अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे YouTube की तरफ से आने वाली एक मेल की बारे में, जिसमें बताया जाता है कि आपका जो शॉर्ट वीडियोस होती हैं ज़्यादातर वो माउंटेड कर दी गई हैं या उनको अनलिस्टेड करके फिलहाल YouTube से समझ लें कि हटा दिया गया, हटाया नहीं जाता है लेकिन अनलिस्टेड हो जाती हैं और आप उनको दोबारा से पब्लिश नहीं कर सकते हैं और यूट्यूब बाकायदा तौर पर आपको मेल भेजती है इसके बारे में। तो फ्रेंड्स इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे और मैं आपको बताता चलूं कि अगर इस तरह की मेल YouTube की तरफ से आप में से भी किसी दोस्त को आ रही है तो ये बहुत ही एक डेंजरस साइन है और ये खतरे की एक घंटी होती है जिसके बारे में तब पता चलता है जब वो सर पे आकर डल जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस जो है वो क्रिएट करता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे पास एक मेल है जिसको मैं पढ़ चुका हूँ, तो यहाँ पे आपको भी ये नज़र आ रही होगी। तो देखिए यहाँ पे जो मेरा कॉन्टेंट है मेरा नहीं है, किसी का है, किसी दोस्त का है चैनल, तो उसका जो है वो कंटेंट जो है वो YouTube ने रिमूव कर दिया है या उसको अनलिस्टेड कर दिया। और वजह क्या है कि जो क्रिएटर था उसने या तो वीडियो को डिलीट कर दिया है, मतलब जो भी उसका म्यूज़िक था उसको YouTube से उसने हटा दिया है, या फिर उसमें तरमीम कर दी है, उसमें तब्दीली कर दी है, ठीक है। ये दोनों रीज़न में से कोई एक रीज़न हो सकता है और YouTube ने उसकी इस तब्दीली की वजह से जो आपका कंटेंट है आपका YouTube पे उसको भी अनलिस्टेड कर दिया। तो अब यहाँ पे ये डेंजरस कैसे है, तो अगर आपको ये बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब दो तीन आपको भी एक हफ्ते में एक आध इस तरह की चीज़ मिल जाती है, तो याद रखिएगा ये आपको आपके चैनल को डीमोनेटाइज कर देगा, क्योंकि मैंने बहुत से चैनल्स देखे हैं जिन पे शुरू में इसी तरह की चीज़ें आ रही होती है कि जी आपका जो कंटेंट है शॉर्ट्स का, मैक्सिमम ये शॉर्ट्स पे होता है, तो उसको माउंटेड कर दिया गया है, ये कर दिया गया है, तो ऐसे में फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ टाइम के बाद उनका जो चैनल है वो डीमोनेटाइज हो जाता है। तो आप बिल्कुल ऐसा म्यूज़िक यूज़ करें जो कि YouTube से रिलेटेड हो, YouTube पे मौजूद हो, YouTube की गैलरी में, और कोई भी, जैसे कि बहुत से दोस्त मैं बारहा कह चुका हूँ कि ऐसा मत करें कि आप TikTok वगैरह से शॉर्ट वीडियोस उठा के उन पे अगर आप शॉर्ट क्रिएट कर देंगे, म्यूज़िक लगा दिया, तो ऐसे में कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ ये जो शॉर्ट्स होंगे वो आपको आपके चैनल को डीमोनेटाइज की तरफ ले जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको इस तरह की चीज़ों से बचना है। शॉर्ट्स क्रिएट करने हैं तो अपने करें, ठीक है। अब तो ग्रीन स्क्रीन वाला साइन मौजूद है वहाँ पे, वो काफ़ी सेफ है, किसी हद तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। YouTube के जो फेमस वायरल शॉर्ट्स हैं आप उनको भी उठा सकते हैं और ग्रीन स्क्रीन के मतलब तौर पे अपनी वीडियोस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। मैं इस पर एक वीडियो क्रिएट कर चुका हूँ, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं कि इस पर वीडियोज़ जो है वो कैसे क्रिएट की जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप दोस्तों के लिए, ताकि आप महफूज रहें और आपका जो चैनल है वो डिमोनेटाइज ना हो और फलता फूलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो खत्म करते हैं, वीडियो इसलिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।